हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त महिलाएं भूल से भी ना करें करिए गलती वरना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान बहुत से लोगों के मन में अक्सर यह सवाल जरूर आता है कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का फायदा क्यों नहीं मिलता उसका सीधा सा एक ही कारण है कि हनुमान चालीसा सही तरीके से ना पढ़ पाना जी हाँ सही तरीके से ना पढ़ पाना क्या आप जानते हैं कि क्या है हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके नहीं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें पर उससे पहले कमेंट में जरूर लिखें ओम हनुमते नमः जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि उजागर हनुमान चालीसा की चौपाई से हम सभी तो भली भांति परिचित है पर क्या वजह है कि सालों साल हनुमान चालीसा का पाठ करने के बावजूद लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता हनुमान चालीसा बहुत सिद्ध पाठ है और यदि उसका लाभ पाना है तो उसको उचित उच्चारण और नियम के साथ ही पढ़ना चाहिए चलिए जानते हैं इसके नियम के बारे में पहला नियम जो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं उनको पाठ करने से पहले साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए गंदे कपड़ों में या फिर बिना नहाए पाठ करने से लाभ प्राप्त नहीं होता विपदा के समय किसी भी स्थिति में पाठ किया जा सकता है दूसरा नियम हनुमान चालीसा का पाठ सिर्फ लाल आसन पर ही बैठकर करना चाहिए आसन हमेशा मोटे कपड़े का ही होना चाहिए आप चाहे तो मखमल या फिर उनका आसन भी ले सकते हैं पर भूल भी पतले या पारदर्शी कपड़े का आसन न ले तीसरा नियम आप जो भी प्रसाद हनुमान जी के आगे रखे उसके साथ दो पत्ते तुलसी के भी जरूर रखे यदि कोई प्रसाद नहीं रख रहे हैं तो भी तुलसी के पत्ते जरूर रखे चौथा नियम यदि आप हनुमान चालीसा घर पर ही पढ़ रहे हैं तो पाठ करने के पहले थोड़े से सिंदूर में दो बूंद चमेली के तेल डालकर हनुमान जी को तिलक जरूर करें पर महिलाओं के लिए हनुमान जी को तिलक लगाना वर्जित है पांचवा नियम यदि आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल ऐसी हनुमान जी को स्नान जरूर करवाए छठा नियम पाठ से करीब दो तीन घंटे पहले से ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करे सातवा नियम यदि मनोकामनाओं की पूर्ति चाहिए तो कम से कम चालीस दिनों तक लगातार किसी सिद्ध हनुमान जी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करे आठवा नियम पहली बार चालीस दिन का पाठ या तो शनि या फिर मंगलवार से ही प्रारंभ करे नियम यदि चालीस दिनों तक पाठ करना संभव न हो तो इक्कीस दिनों तक सुबह आठ बजे ऐसी पहले खाली पेट और नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने जरूर जाए साथ में हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक या फिर चमेली के तेल का एक दिया जरूर जलाये और सिंदूर में चमेली के तेल को मिलाकर हनुमान जी को तिलक जरूर करे यदि आपके दुश्मन कुछ ज्यादा हो तो एक बार हनुमान चालीसा और तीन बार बजरंग पाठ जरूर करें ध्यान दीजिए कि महिलाओं को बजरंग पाठ करना वर्जित माना गया है यदि घर में 40 दिनों का पाठ कर रहे हैं तो चमेली के तेल का दिया और तुलसी के पत्तों का भोग जरूर लगाए गणेश जी और कुल देवता का ध्यान भी अवश्य करे और साथ साथ राम नाम का जाप करने के बाद ही हनुमान चालीसा का शुरू करे सबसे जरूरी बात की हनुमान चालीसा के पाठ में जहाँ तुलसीदास सदा हरी चेहरा आता है वहाँ आपको तुलसीदास की जगह अपना नाम लेना यदि ध्यान पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो जीवन में कभी कठिनाइयाँ परेशान नहीं करेगी और न ही घर में धन और समृद्धि की कमी होगी नौकरी की कामना करने वाले को नौकरी भी मिलेगी और दुश्मन भी कम होंगे घर में सकारात्मक का वास होगा और शनि प्रकोप से भी बचाव होगा पति पत्नी के बीच का मनमुटाव भी खत्म हो जाए आएगा अतः आप सभी मित्रों पर हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे ओम हनुमते नमः जय श्री राम